नमस्कार दर्शक मित्रों अतिथि मा फरियकवर तो स्वागत छे अतिथि એટલે ઓ કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશેષ વ્યક્તિતો સાથે આપની મુલાકાત કરે છે અને વાતો કરે છે અંતર આજે આપની સાથે છે કે એવું વ્યક્તિતો કે જેને પોતાના અભિનીના બધા જ રંગ આપીને પોતાની જાતને એક લેવલ સુધી પહોંચાડીને યાદગાર ચહેરો બનાવી દીધો છે સુમિત راગવનજી અમારી સાથે સુમિતજી આપકા સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં થેન્ક્યુ થેન્ક્યુ સર સુમિતજી સૌથી પહેલા તો યે યે સવાલ મેને જ્યાદાતર લોકો કો પૂછા હે કે યે ના એક્ટિંગ મે આના યે કભી પ્રી ડિસાઈડેડ નહીં હોતા હે લેકિન કોઈ બોલતા હે કે અરે યાર યે બંદા ચલેગા બોસ इसको कहीं करवाओ तो ये ये मौका कब आया था स्कूल में कॉलेज में या कोई प्रोफेशनल कोई आ, आ, कोई जहरी था जिसने पहचान लिया मेरे ख्याल से ये मेरे जिनके आ, कोक से मैंने जन्म लिया वही दो जौहरी थे मेरे माता पिता इन्होंने परखा शायद बचपन की बात है मैं ऐसे मिमिक्री करता था गाने वाने गाता था आ, तो लेकिन लेकिन बहुत शर्मिला था तो मुझे मैं हमेशा मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे छुपा रहता था और मम्मी ऐसे हाथ पकड़ा चलो चलो बाहर आओ देखो कौन है इनको ये करके बताओ वो वो टिपिकल जैसा होता है तो चलो अंकल को बाबा ब्लैकशिप <laughs> चलो तो उस टाइप का था तब एक मिमिक्री की कैसेट आई थी जॉनी भाई की जी तो वो रट ली मैंने वो रट ली और फिर उसी के शोज में घर में और दोस्तों के घर में और गणेश के मंडल में करता था तो धीरे धीरे फिर तो मम्... गा रहे हाँ उस टाइम तो का गा रहे। वो कबड्डी कबड्डी क्या गाया था उनका गा। तो फिर मम्मी पापा को लगा कि नहीं भैया एक काम करो बेटा तुम पढ़ाई पहले पूरी करो मैंने कहा हाँ चल ठीक है मुझे कोई एक्टिंग ही करनी है गाना ही गाना ऐसा ऐसा कुछ जैन में नहीं था ऐसा बिल्कुल नहीं था लेकिन स्कूल स्कूलिंग कंप्लीट होते होते मई महीने की जो छुट्टियां होती है वेकेशन होती है उसमें आवारा गर्दी करने से अच्छा मम्मी पापा ने कहा कि इसे हम किसी एक्टिंग स्कूल में डाल देते कुछ होगा नहीं ये जरा इंट्रोवर्ट है तो जरा खुल जाएगा तो सुलभा देश पांडे और अरविंद देश का एक वर्कशॉप चलता था दादर में आ, मैं बात कर रहा हूँ नाइनटीन एटी थ्री की ओके okay. तो उसमें मुझे उन्होंने डाल दिया और यही साल था जब पहला ब्रेक आपको जी मैंने फास्टर फ्रेंड है मेरी जो पहली सीरियल सीरियल थी बच्चों चिल्ड्रन वो मैंने तब की तो अरे वाह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पता चला तैंतीस चौंतीस साल हो गया एक्टिंग करते करते विच इज़ नॉट बैड चलो शाबाश <laughs> और फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते मराठी स्टेज की तरफ आया मैं मराठी स्टेज पे प्रथम बाल कलाकार के रूप से आया मैं फिर उम्र जब मैं बीस साल का हुआ तब वहाँ के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे मोहन वाघ मोहन तोंडवलकर सुधीर भट्ट लता नार्वेकर ये सारे मराठी थिएटर से जुड़े हुए नाम हैं जो जिन्हें हम कहेंगे ये स्तंभ है ये पिलर्स है मराठी थिएटर के तो फिर वहाँ से हमारी शुरुआत थिएटर के एक थिएटर का प्रवास शुरू हुआ और फिर बस मम्मी पापा को लगा बस अब बेटा तुम्हें अब तब गाता भी था मैं okay. मैं गाने भी गाता था तो एक तरफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक की शिक्षा ले रहा था सुरेश वाडकर जी के यहाँ और दूसरी ओर मेरा प्रोफेशनल थिएटर भी चल रहा था तब एक मोड़ आया जब मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि सिंगर या एक्टर ओके okay, ओके okay. तो फिर सिंगर को मैंने थोड़ा रोक लिया और इस दिशा okay. में बढ़ गया मैं हाँ आपने बताया कि बच्चा जी और कोई मटर गश्ती करे जी इससे बेहतर है कि हाँ। वो कुछ कुछ सीखे है, जी ड्रामा मटर करें क्या इसके लिए भी जाने है क्या? नहीं, नहीं, वैसे नहीं है आ, लेकिन मैं, मैंने कहा है वो भी गाता है और वो क्रिकेट खेलता था और वो वो स्टार था अपने सेंस में यू नो कॉलोनी में सब पहचानते थे अरे संतोष अरे संतोष संतोष और मैं संतोष का भाई तो और मैं हमेशा छुपता था डर बुझा बुझा डर डरा डरा सहमा सहमा सा। तो ये एक तोड़ने के लिए ये जो एक गुत्थी थी ना उसे तोड़ने के लिए मम्मी पापा ने कहा कि इसे एक्सपोजर की जरूरत है okay. तो इसीलिए उनका एक तरीका था वो सोच सही थी गलत थी आज मुझे लगता है सही थी क्योंकि मम्मी पापा ऑफिस जाते थे मैं अकेला घर पे बैठा रहता था स्कूल करके घर आता था क्लास करता था तो मतलब मेरी दुनिया मुझे मम्मी पापा जो था जो थे वो जरा थोड़ा

जिसे मास्टर दीनानाथ पुरस्कार मिला और वो शो हमारा दीनानाथ नाट्यगृह में था विले पार्ले में और सडनली मुझे ऐसे पता चला कि लता दीदी आई हैं हो oh. आशा ताई आई है हृदानाथ जी आए हैं शरद जी पवार आए हैं सुनील गावस्कर रवि शास्त्री आए संदीप पाटिल आए तो ये लोग ऑडियंस पे बैठे हैं और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं था आई वॉज ये 1990 की बात कर रहा हूँ मैं 25 साल हो गए इस बात को 26 साल और वो मेरा मेन रोल वाला प्ले था जिसके लिए मुझे बेस्ट विशेष लक्ष्यवेदी कलाकार का अवार्ड मिला था नाट्य दर्पण का और मैंने एंट्री ली मैंने परफॉर्मेंस दी सब हो गया प्ले इंटरवल में मुझे प्रोड्यूसर साहब बुलाने हैं कि सुमित जराने मैं वी रूम में गया देखा साक्षात गान सरस्वती सामने बैठी है ओ। oh. और जैसे ही मैं गया ना वो खुद उठने लगी तो मुझे इतना मैंने कहा नहीं 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 दीदी hmm. oh. क्या बात है बैठिए बैठिए और मैं उनके पैरों पास पैरों के पास बैठ गया उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम करते हो बेटा तुम और उन्होंने हजार रुपए का एक बख्शीश दिया मुझे ओ माई गो वो आज भी मैंने संभाल के रखा है क्या बात है और रिदाना जी के गले में हार था उन्होंने अपने गले का हार निकाल कर मेरे गले में तो ये कुछ चीजें संकेत मुझे मिले कि आ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूं मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे लिए तय किया है वही सही है ओके okay. ये, ये बात बताई आपने कि पास्ट में 95 की भी यादें जब तरोताजा कर रहे थे आप तो वो वो दिख रहा था वो चमक दिख रही थी वो एक्सपीरियंस शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे नहीं। वो इंसिडेंट लेकिन सुबी जी जो एक स्टार्टअप होता है फिर गियर अप होता है उसके बाद में टेक ऑफ होता है फिर बिल्कुल स्टेडी हो जाता है नाउ वही एक्साइटमेंट क्या आज की तारीख में भी लग रही है क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सुमित जी दिल में जो आए वो कहने के लिए जाने जाते भले थोड़े शाही किस्म के अपने आप कई बातों को दबाते भी है लेकिन जी। वो जो काम निकालने का तरीका होता है एक डायरेक्टर होता है जो उसे मालूम है कि इस कलाकार में क्या पड़ा हुआ है वो बाहर निकालने वो कहीं कमी लगती है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ गए नंबर ऑफ प्लेस बढ़ गए परफॉर्मेंस बढ़ गए लेकिन वो तरासने वाले जो लोग थे उसकी कहीं कमी खलती है क्या देखिए टेलीविजन की बात करेंगे आप तो टेलीविजन अब एक क्या कहें उसे एक फैक्ट्री बन चुकी है कि आपको 22 एपिसोड महीने में देने हैं तो बस काम करते जाओ काम करते जाओ थिएटर में आज की तारीख में भी ऐसे डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो बाकायदा आपका तेल निकाल देते हैं hmm. एक एक्टर की मतलब उसकी उसकी कसौटी पे उसे साबित करते हैं तो ऐसे डायरेक्टर्स यहाँ पर थिएटर में हैं मौजूद टेलीविजन में भी हैं लेकिन क्या है ना जब से ये डेल, वीकली से डेली का फॉर्मेट शुरू हो गया है तब से आपके सामने कागज़ आता है आपको दिन में अठारह मिनट करने सर अठारह मिनट शूट करने मतलब एडिटेड मटेरियल अठारह मिनट होना चाहिए आपका तो सोचिए कितनी कितना प्रेशर होता है तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है टेलीविजन में लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ दो तीन एक्टर्स हैं जिन जिनको मैं बहुत मानता हूँ एक दिलीप जोशी है हमारे आ, कि दिलीप को मैं बहुत करीब से जानता हूँ दिलीप के साथ गुजराती नाटक भी मैंने किया था तो दिलीप के साथ दो शोज़ मैंने किए हैं तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है आपको आपने जो गुडविल जो कमाया है इतने सालों तक उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है पैसा कमाना जरूरी नहीं है ओके okay, यहां रोकों का वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का दर्शकों सुमित जी साथ निभा एक विराम बात विराम बात का स्वागत है कार्यक्रम आती थीमा सुमित राघवन जी साथ निवा तो बीचा तबक्का नहीं आपने बताया कि तेल निकालने वाली इंडस्ट्री है ये तेल निकाल देती है जी इतना काम सुबह से लेकर शाम तक स्केड्यूल टाइट पूरा डायलॉग सब दिए हुए सिचुएशन दिए रट्टा मारना है परफॉर्म भी करना है बिल्कुल इतना तेल निकालने वाली इंडस्ट्री इतना टैलेंटेड बंदा स्विच ओवर क्यों नहीं करते फिल्म कम किए तो क्या मैं सीधा पूछ सकता हूं कि फिल्म वाले आ, को लगता नहीं है कि सुमित जी में फिल्म में चल पाने वाला कोई कैरेक्टर है या तो फिर खुद पसंद करते कि नहीं यार ये तेल निकालने वाली इंडस्ट्री अच्छी है नहीं मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ सर आ, ऐसा है कि मैं हमेशा एक प्रोजेक्ट करने के बाद मैं तीन साल का ब्रेक ले लेता हूँ जैसे मैं एक शो कर रहा था रे झूठ मत बोलो 2011 में बाद में मैंने सडनली ब्रेक ले लिया मैंने कहा कि नहीं अब मैं जरा अपने आप को थोड़ा सेल्फ एनालाइज करूँगा रीजुविनेट करूंगा तो मैं घर पर बैठ के गिटार बजाता हूँ गाना गाता हूँ म्यूजिक मेरा ये इज माई सेकेंड लाइफ तो हमेशा मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ क्योंकि ये शरीर जो है वो एक ढोल है बजाने वाले आप ही हो आपको कैसे बजाना है वो आपको तय करना है या आपको दिन रात मेहनत करके काम करके इसको बर्बाद करना है या आपको अपने परिवार थोड़ा, थोड़ा बजा के वापस भी करना है और आपको आपके परिवार के साथ भी वक्त बिताना है तो मैं हमेशा मैं ये दूसरी पॉलिसी हमेशा फॉलो करता हूँ इसीलिए फिल्, फिल्म फिल्म में जब ये ब्रेक ले रहा था तब हॉलीडे फिल्म की मैंने अक्षय कुमार के साथ आ, एक मराठी फिल्म भी की बीच में आ, तो ऐसा बीच में एक थिएटर का एक मेरा एक प्रोडक्शन चल रहा है तो वो एक मैंने मराठी प्ले भी किया तो मैं वापस थोड़ी सांस लेता हूँ थोड़ा ऑक्सीजन भरता हूं अपने, अपने अंदर और फिर वापस टेलीविजन बिल्कुल आपने बताया फैमिली ओके सुमित जी इतने नटखट जी। जो स्क्रीन पे देखते आपने शुरू में बता दिया कि आप बहुत शाही किस्म के इंसान थे खुलते नहीं थे लेकिन वो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन था, जो हो रहा था कि बहुत खुलना नहीं है। लेकिन अंदर तो वो किशन का नैया पढ़ाई होगा थोड़ी शादी की भी बात हो जाए इंटरेस्टिंग हो गया मैं एक प्ले कर रहा था और एक लड़की आई प्ले में मेरे ऑपोजिट हीरोइन का काम करने तो मैंने पूछा डायरेक्टर से कि कौन है ये और उसके पहले मैंने एक सुपर हिट नाटक दिया था तो सडनली मैं थोड़ा ऐसा था मैंने कहा कौन है नई लड़की कौन है तो कि ये चिनमई है अच्छा कहाँ से है आइए पूना से है ये पूना में एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन की बेस्ट एक्ट्रेस है रह चुकी है अच्छा अच्छा ठीक है और फिर बातों बातों में पता चला कि अच्छा ये बहुत पढ़ती है बहुत मतलब वो सिर्फ ऊपर देखती है बात करते वापस किताब मतलब ये किताबें खाती है बेसिकली तो मैंने कहा भैया इससे तो अपनी बिल्कुल नहीं जमने वाली है तो वो एक शो मैंने किया जिसके थोड़े बहुत शोज़ किए मैंने और फिर मैं चला गया एक हिंदी फिल्म करने के लिए जो एक अलग कहानी है उसके बाद में एक डेढ़ गायब रहा मराठी थिएटर से 1993 में मैं दोबारा आया एक प्ले करने और मैंने पूछा कौन मेरे अपोजिट कौन है पीछे मैं हूँ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा चिनमई है दो साल के बाद चिनमई वापस मिले और यहाँ पे जो है एक उसे भी एक अलग सुमित दिखा जो थोड़ा बाहर जाके के थोड़े आ, आ, वक्त की मार खा के वापस आया हुआ सुमित दिखा मुझे एक अलग में ही दिखी आ, तो वहाँ पर हमारा जो है वो गुल मिल, गुल, गुलना मिलना शुरू हो गया और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए 1993 में वी गॉट मैरिड इन 1996 नाइन्टी तब पैसे के लाले थे मैं कुछ कमा नहीं रहा था चिन में ये गुजराती नाटक करती थी और गुजराती में थोड़ा बहुत अच्छा पैसा मिलता था तो मैं मैडम थोड़ा पैसा देंगे ओके तो, तो वही मेरा खर्चा भी करती थी एंड देन देन सडनली देन ग्रेजुअली वी गॉट मैरिड नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में शादी हो गई आ, वो एक महाराष्ट्रीयन बैकग्राउंड से आती है आ, मैं एक साउथ इंडियन बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे पहले लगा कि कुछ सनसनाट मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है नहीं तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते और तुम नहीं अपना मुंह काला नहीं करोगी इसके साथ उस टाइप का कुछ होगा लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ स्मूथली अरे बहुत स्मूथली हो गया ना वो आपने बताया कि वो घुलमिल गए जी ये घुलमिलने के लिए किसी को पहले तो बोलना पड़ता है हाँ, तो हाँ, तो वही कौन बोला हाँ, था वो तो आप बोले थे या जी ने बोला 1993 में जिस नाटक के लिए हम साथ में आए उस नाटक की ग्रैंड रिहर्सल हम कर रहे थे और उस रात रिहर्सल करके हमें गोवा निकलना था क्योंकि गोवा में हमारे चार शो लाइंड अप थे एंट्री के लिए वो खड़ी है ब्लैकआउट हो गया मैं उसके ठीक पीछे बैठा वो मेरे सामने खड़ी है मेरी एंट्री को वक्त था और मैंने पीछे से अंधेरे में उसको आई लव यू कह दिया तो वो हड़बड़ा गई हाँ ऐसे हो गई वो और उतने में लाइट्स आ गए और उसे एंट्री लेनी थी थैंक गॉड वो ग्रैंड रिहर्सल थी पब्लिक शो नहीं था okay. वो एंट्री लेने को तैयार ही नहीं थी और वहाँ से डायरेक्टर चिल्ला रहा है चिन्मई अरे कहाँ तुम एंट्री लो हाँ 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 ऐसे करके उसने एंट्री ले ली और डायलॉग्स भूल गई तो मेरे वो तीन शब्दों ने इतना कमाल कर दिया कि वो बेचारी को डांट भी खानी पड़ी और वहाँ से बार बार मुझे ऐसे गुस्से से देख रही थी स्टेज पे से और मैं विंग में था और मैंने ऐसे हाथ जोड़े मैंने कहा सॉरी गलती हो गई ये वक्त नहीं था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तुम तो मेरे सामने थी तुम्हारी पीठ थी और मैंने तुम्हें बोल दिया जो मेरे मन में आया जो मैं काफी देर से बोलने वाला था तो ये एक स्टाइल था आई लव यू कहने का और फिर वो बस वो आज मेरी धर्म पत्नी है आपने आपने बताया कि बीच वाला जो एक वक्त था जब फिल्म मैंने की थी वो मैं बात बाद में बताऊंगा बाद में बताऊंगा लेकिन वो बात ही आप बताएंगे मुझे पक्का भरोसा है मेरे नेक्स्ट सवाल के जवाब में आपने बताया कि चिन्मयी जी ने ऐसा सुमित देखा जी। जो दो साल में चोट खाया हुआ था दुनियादारी को सही मायने में समझने के बाद जी। आ, दो साल के बाद हम मिले थे जी। लाइफ में सबसे ज्यादा गिल्टी फील कब किया था बिकॉज दिस शो इज नॉन फॉर कन्फेशन और ऐसी बातें जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को मालूम जी 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 नाइनटीन uh, वन में जो मैं पहला नाट मतलब चिन्मई के साथ जो नाटक कर रहा था जहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे करके बात कर रहा था uh, वो था ज्वालामुखी नाटक का नाम जिसके मैंने 16-17 शोज़ किए और तब मुझे एक हिंदी फिल्म आई uh, हिंदी फिल्म का विषय था हीर रांझा और uh, उसी दौरान हीर रांझा इस विषय पर तीन फिल्में आ रही थी एक अनिल कपूर श्रीदेवी की भी थी एक और एक थी और एक हमारी थी उसमें वो दो फिल्म रिलीज भी हो गई चलिए नहीं चलिए हमारी फिल्म आज तक आई नहीं तो हम शूटिंग करने गए बाहर और मैं कि मैं कि हिंदी फिल्म करने जा रहा हूं वो वाला थोड़ा वो उम्र ही वैसी थी ना बीस बाईस साल का था मैं बीस बाईस साल की उम्र में हिंदी फिल्म का हीरो मराठी थिएटर से आया हूं hmm. फिल्म अच्छी बनी तारीफ हुई प्रेस ने देखी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म आई नहीं रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि कुछ केसेस थे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर तो वो एसोसिएशन ने बोला कि हम फिल्म रिलीज करने नहीं देंगे और सडनली वो उसके बाद एक साल मेरे पास कुछ नहीं था थिएटर से मैंने अपना नाता जो था वो तोड़ दिया था काम धंधा कोई काम धंधा ऐसा नहीं लेकिन क्रिएटिव पर्सन जब सडनली घर पर बैठ जाता है तो आ, मैं यहां पर इसीलिए अपने आप को भाग्यशाली कहता हूं क्योंकि ऐसे माँ बाप होना जो आज मैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करता हूँ जब अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ कि मैं बस उन्हीं की तरह होना चाहता हूँ कि वो थे मेरे पीछे कि उन्होंने मुझे वापस अपनी बाहों में ले लिया और वो झटका मिला था मुझे क्योंकि फिल्म नहीं आ रही थी कुछ काम नहीं आ रहा था और तब ये एक नाटक आया दो साल के बाद और मैंने डेस्परेटली हाँ बोली हाँ मैं करूँगा कितने पैसे मिलेंगे डेढ़ सौ रुपये मिलेंगे ओके ठीक है मैं करूँगा तैयार हूँ परसों तो वो एक जो मैं ऐसे था नाइन्टी में वो सडनली तो मैं ऐसे तो हो गया था मेरा 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 सवाल जी सबसे ज्यादा गिल्ट फील आ, गिल्ट फील आ, गिल्टी फीलिंग ऐसे कभी हुई नहीं है आ, कभी कभी कुछ डिसीजंस को लेकर ऐसा लगता है कि अरे ये उस वक्त करना चाहिए था मतलब ये वर्क रिलेटेड ही है रिलेशनशिप uh, में अक्सर ऐसा कभी हुआ नहीं है हाँ कभी कभी कुछ अनबन हो जाती है मियाँ बीवी में तो वो बाद में पछतावा होता है लेकिन उसे वो तो रोज़मर्रा की बातें हैं लेकिन और चैटरिंग या आपको हिलाने वाला uh, ऐसा आज तक uh, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है टचवुड uh, तो इसलिए फीलिंग नहीं अभी तक okay. रोकूंगा वक्त स्वागत कार्यक्रम अतिथि थी सुमित जी साथ अंतिम तबकान आनी बातों पास्ट की बात कर ली जी। थोड़ा फ्यूचर की भी बात है जी। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा खास करके इस इंडस्ट्रीज में और खुशनसीब है आप कि बचपन से मम्मी पापा ने प्रमोट भी किया इंस्पायर किया बिल्कुल जबकि आपके बेटर है, वो भी इसी फील्ड से बच्चों के बारे में भी क्या व्लान प्रोडक्ट बच्चे, मेरा हमारा बड़ा बेटा अठारह साल का है बेटी अभी टेंथ में जाएगी वो पंद्रह साल की है बेटी गाती है तो वो गाना सीख रही है बेटा पियानो बजाता है तो उसे म्यूज़िक में कुछ करना है तो मैंने उन्हें जो मैंने जैसे अभी पिछले सेगमेंट में आपसे कहा कि मैं बाकी कुछ करूं या ना करूं लेकिन मैं एक अच्छा पिता बनने की हमेशा कोशिश करूंगा एक अच्छा पति बनने की हमेशा कोशिश करूंगा और इन दोनों के लिए एक अच्छा दोस्त बनने की अच्छी हमेशा कोशिश करूंगा ये ज्यादातर होता है जैसे कि क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने इस इंडस्ट्री में देखे सोसाइटी में भी देखे जहाँ पे कोई भी आइदर मेल और फीमेल हस्बैंड या वाइफ जो भी एक ऐसे पब्लिक फील्ड में है ग्लैमर फील्ड में है वहां पे ट्यूनिंग करना बहुत ही टफ हो जाता जी। है जी। क्योंकि कन्विंसिंग जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स होती है ना वो शायद वो कन्विंस नहीं कर पाती और उस वजह से शायद वो अंतर बढ़ता है और वो एक एंड ऐसा आता है ऐसा मौका आता है जो शायद दुखी करता है दोनों कैरेक्टर को ही 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 ही। इसके लिए बैलेंस करने के लिए जैसे आपने बताया कि कोई एक प्रोजेक्ट खत्म करके आप दो तीन महीना अपनी फैमिली के फिर भी व्हाट आर द टिप्स आप देना चाहेंगे जो ऐसे ऐसे फिल्ड में इंडस्ट्री में है लोग मैं देखिए मैं टिप तो नहीं दे सकता लेकिन मैं एक बात के लिए हमेशा हमेशा शुक्रिया शुक्रिया अदा या शुक्रगुजार रहूंगा देखिए मेरी बीवी भी एक एक्टर है लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पति अब बहुत बिजी है शी टू का बैक सीट देखिए बहुत बड़ी बात है आ, आपके साथ काम करने वाली सडनली वो पीछे आ जाती है क्योंकि नहीं मैं पीछे से आपको सपोर्ट दूंगी आप बढ़िया आगे मैं बच्चों के साथ हूं आप जाइए आगे ये बहुत कम मिलता है तो इसीलिए सेक्रीफाइस ये दो में से एक को हमेशा से सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है Uh, नहीं मैं ये भी नहीं कहूँगा क्योंकि आज ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त कपल्स uh, हैं जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं विच इज़ फेयर लेकिन हमारे मामले में चिन्मई को ऐसे लगा कि नहीं uh, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तब मैं उनके साथ, साथ रहती हूँ असहिष्णुता का मामला ज़्यादातर ये इश्यू चला है खास करके जो पब्लिक फील्ड में है जी क्या मानते हैं आप सर ये uh, मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ देखिए अब होता है जब मैं घर जाता हूँ

ये शो आपका न्यूज चैनल में जाने वाला है जी। फिर भी न्यूज चैनल मीडिया के लिए आपकी राय में जानना चाहता हूं आप ही ने जवाब दे दिया आपके सवाल से कि देश में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि प्लीज आप उन्हें उन पर नज़र डालिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश जैसा कोई देश नहीं है पीरियड मतलब मैं भी देश विदेश घूम चुका हूँ देर इज नो प्लेस लाइक इंडिया कि आज एक तो ये जन्मभूमि है कर्म भूमि है मैं ये सोच भी नहीं सकता कि और आई आई डोंट बिलीव इन असहिष्णुता क्या है असहिष्णुता सब सब फर्स्ट क्लास चल रहा है भैया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चीज़ों जैसा आपने कहा कि उसका कोई तुक नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का जस्ट उछाल दिया जाता है जैसे बीच में हमारा एक दोस्त किकू को गिरफ्तार कर दिया किकू को जेल में डाल दिया तो मेरे ख्याल से हम सॉफ्ट टारगेट्स हैं हम बोलते हैं कुछ तो उसका धाड़ करके कुछ इतना बड़ा हो जाता है कि भैया हम ही फंसते हैं फिर हमें जेल में डाल देते हैं भैया हम हम देखिए हमारे मन की बात नहीं कर रहे हमें कोई देता है डायलॉग्स एक कोई चैनल होता है तो भैया इन दोनों को दो जेल में ओके लास्ट 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 शुरू में आपने बताया कि बचपन से गाने का शौक था और उसमें आपने ट्रेनिंग भी ली हुई थी थोड़ी बहुत अगर मैं यहां कहू हाँ। कि एक गाना जी चिन्मय जी के लिए अगर आपको गाना, गाना है हाँ। तो कौन सा गाना पसंद करेंगे आप उनके लिए गाना हमारा फेवरेट गाना है एक हाँ। तेरे में कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की रहना थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए